अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज कुछ क्लियर नज़र आ रहा है ना, तो बिना किसी उसे क्या कहते हैं डिले के आज हम जो है ना पूरी लैब का विजिट करेंगे एक अच्छे से कैमरे से। स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये सबसे पहले है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और इस पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सैंपल्स होते हैं ना उसे एक खास स्पीड पे रन करके और उसकी सेपरेशन की जाती है जो ब्लड के अंदर से ही उसके कुछ पार्ट्स की। तो उसके बाद आगे चलें तो ये इलेक्ट्रोलाइट मशीन है। इसमें बेसिकली आपकी नमकियात के जितने भी टेस्ट हैं, देखें लिखा होगा उन्होंने सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड और लिथियम एक्सेट्रा। और इसमें जो है ना बेसिकली वो होते हैं। इसके बाद आगे चलें तो हमारी ये शहजादी, ये बेसिकली है हीमाटोलॉजी की। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के सैंपल हैं आपकी, जो बेसिकली सीबीसी एंड जिसमें आपको अपनी एचबी वगैरह और इस तरह के आरबीसी और प्लेटलेट्स का पता चलता है, वो सारा कुछ इसमें होता है। साथ ये रोटेटर है, ऐदा करके ऑन होता है, ये ऐसे तेज़ होता है, फिर हल्का कर लेते हैं, ठीक है। ये उसके साथ प्रिंटर उन्होंने दिया हुआ है। और ये माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर से आप बहुत कुछ देख सकते हैं, ख़ासतर वो कीड़े जो कि नज़र नहीं आते आम आँख से, तो आप वो जो है इसके अंदर से देख सकते हैं। आगे चलें हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा, धीमे धीमे, तो हमारा ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये हमारी हथौड़ी, ठीक है। और ये हमारा जो है ना वो इसे कहते हैं माइक्रोलैब 300। तो ये सेमी ऑटोमेटेड केमिस्ट्री की मशीन है। और इसमें जितने भी आपके रूटीन केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो सारे इसमें होते हैं, ठीक है। और उसका भी हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह। हाँ जी, तो ये हमारा वाटर बाथ है। ये 37 डिग्री इसका जो टेम्परेचर होता है और इसमें ये मेंटेन रहता है। तो इसके आगे चलें, इसके आगे तो हमारे पास है फुली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री की मशीन, चेक करें। और ये बेसिकली फुली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री की, रूटीन केमिस्ट्री की मशीन है, जिसमें सारे रूटीन केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये उसके साथ सिस्टम अटैच है। और ये देखें जो लैब्स के रिजल्ट्स आए हैं पेशेंट्स के, वो इस तरह ये देती है। तो बेसिकली ये फुली ऑटोमेटेड है और ये सेमी ऑटोमेटेड है, इन दोनों में यही फ़र्क है। और इसके बाद ये बेसिकली आपका एबीजीज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जो हमारी कंपनी है ऑप्टी मेडिकल की, और एंटीरियल ब्लड गैसेस जिन्होंने करवाना हो, फिर वही हमारी सेंट्रीफ्यूज और रिपोर्टिंग वाला सिस्टम है जिसमें हम जो है वो ऑनलाइन रिपोर्ट डिलीवर करते हैं। ये प्रॉपर देखें जी, फ्रिज जिसके टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहते हैं। और ये हमारा रूम टेम्परेचर, देन दिस इज ऑल्सो अनदर फ्रिज टेम्परेचर चार्ट। और ये हमारा एसी, ठीक है। और ये मैं जो है वो लैब सुपरवाइज कर रहा हूँ। एक तो इसको सुकून नहीं है जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह ताला होपफुली हम इसको जो है वो एक गाइडलाइंस के तौर पे भी और इंफॉर्मेटिव सीरीज़ के तौर पे हम इसको लेके चलेंगे, जिसमें कि तमाम जो टेस्ट हैं और जो आपकी मेडिकल प्रोफाइल्स के टेस्ट हैं उनकी एक तो गाइडलाइन जो है वो आपको दी जाएंगी एक आम से हम कह लें कि जबान और तरीके के साथ, जो कि हर कोई आसानी से समझ सके। दूसरी चीज़ ये है कि इसका बनाने का मकसद ये भी है कि हम जो है उसको एक नए तरीके से, आई डोंट नो कि लोगों ने इसको बयान किया होगा कि नहीं, लेकिन होपफुली मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँगा जिसमें तमाम मेडिकल टेस्ट वगैरह आते हैं। और ये है कि लेकिन उसे एक एनिमेटेड एंड समथिंग डिफरेंट वीडियोग्राफी के और उस तरीके को लेके चलते हुए उसे थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में हम आप लोगों के आगे लेके आएंगे। तो कीप सपोर्टिंग। और यह है कि आज का व्लॉग नहीं कहूँगा ये, मैं आज ये वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ और होपफुली कि इसको मैं अच्छे से आपके आगे प्रेजेंट कर सकूँ। तो तब तक के लिए दें अपने भाई को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में। तो अल्लाह हाफिज़।